ओम गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूं आज फिर आपसे विशेष वार्ता के लिए। विशेष वार्ता को शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए मेरा एक कार्यक्रम जो है चंद्र राशि पे आधारित है, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मैं तो अभी मैं देखिए आप क्या चर्चा करने वाला हूँ, चर्चा बहुत विशेष इम्पोर्टेंट है। देखिए देव गुरु बृहस्पति जो कि सब तरह से आपको बुद्धि विवेक के मालिक हैं, बुद्धि विवेक से जो काम कर रहे हैं आप उनका लाभ मिलता है, धन मिलता है, और देखिए संतान कारक हैं, व्यापार कारक हैं, सभी तरह से आपके जीवन में बृहस्पति देवगुरु जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ अमृत रस बरसाते हैं। तो वो बृहस्पति देवगुरु 28 नवंबर 2024 को दोपहर बाद 1:10 पर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी देखिए ये नक्षत्र में चल रहे हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र से 28 नवंबर को दोपहर को रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का बहुत सबसे प्रिय, और अभी वो वृषभ राशि में है इस समय, तो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर को। और देखिए बृहस्पति अभी बकरी है, अभी उस दिन जो 28 नवंबर को 27 डिग्री और 13 मिनट पे होंगे करीब, जब जब जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और बकरी है तो पीछे को जा रहा है यानी डिग्री कम होती जाएंगी। और फिर देखिए 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे, उस समय 17 डिग्री 10 मिनट पे होंगे। 4 फरवरी को डायरेक्ट होकर के देखिए अब सीधे चलेंगे अपने रोहिणी नक्षत्र में ही, और देखिए 10 अप्रैल 2025 तक इसी में रहेंगे। 10 अप्रैल 2025 को मतलब बृहस्पति चलते हुए, और देखिए फिर प्रवेश कर जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में दोबारा। मृगशिरा से गए रोहिणी में और फिर वापस रोहिणी से आ जाएंगे मृगशिरा में ही 10 अप्रैल को। और फिर देखिए 10 अप्रैल को ये मरकरी देखिए बुध का रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, और 10 अप्रैल को जब मृगशिरा में फिर दोबारा आ गए तो चलते रहेंगे उसमें, और देखिए मई में जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 15 मई की रात को, जो 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो वो फिर मैं चर्चा आगे करूंगा बाद में, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 28 नवंबर को आ गए नक्षत्र में रोहिणी में, और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे बहुत दिनों तक, जब तक वो यानी 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर भी नक्षत्र वही रहेगा 10 अप्रैल 2025 तक। 10 अप्रैल 2025 को फिर दोबारा मृगशिरा में वापस आएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में आना चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा की शक्ति भी बृहस्पति को मिलेगी। देखिए यानी बृहस्पति को चंद्रमा की शक्ति और चंद्रमा को बृहस्पति की शक्ति। तो देखिए चंद्रमा और बृहस्पति का जब साथ होता है तो गज कैसे राजयोग बनता है। तो अब चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो चंद्रमा का साथ मिल गया और भगवान महादेव का साथ मिल गया, चंद्रमा का साथ मिल गया। तो अब मैं ये समझता हूँ कि बृहस्पति गुरु जो है रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके, हालांकि अभी राशि वृषभ में ही है, कुछ राशियों को तो बहुत जबरदस्त, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति भी आ गई रोहिणी नक्षत्र में आ गए तो बहुत ज्यादा लाभ देंगे। यानी वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनको के वो बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। देखिए एक तो मैं बताऊं, पहली सबसे पहले राशि बताऊं सिंह राशि, क्यों सिंह राशि के 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और 10वें भाव में बैठ करके वो आ गए रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा की शक्ति पाली, एक तरह से गज के सी संबंध बन गया, चंद्रमा
आए तो नहीं है पर चंद्रमा का नक्षत्र तो आ गया। तो चंद्रमा के नक्षत्र में दसवें भाव में बृहस्पति बैठ करके सिंह राशि के लिए, देखिए इनके जो अधूरे काम पड़े हुए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, रुके हुए काम चालू हो जाएंगे जॉब के क्षेत्र में, है ना। अचानक से देखिए धन का लाभ मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, नया व्यापार, नया कोई सरकारी काम, वेतन वृद्धि हो सकती है, व्यापार में तरक्की हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, विदेश में नौकरी मिल सकती है, और ये खूब व्यापार में मुनाफा कमाएंगे। और जब बृहस्पति और चंद्रमा की शक्ति पाकर के बृहस्पति जब दसवें भाव बैठे हुए हैं तो समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और मान सम्मान की वृद्धि होगी, अच्छी सरकार में भी और समाज में भी। तो सिंह राशि वालों के लिए ये दसवां भाव में बैठे हैं बृहस्पति, दसवां भाव में वो जबरदस्त मतलब लाभ मिल रहा है कि चंद्रमा का नक्षत्र आ गया, और दसवें भाव से 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव को देखेंगे तो धन तो आएगा ही आएगा। यानी रोहिणी नक्षत्र के बृहस्पति, चंद्रमा की शक्ति और बृहस्पति की शक्ति दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, तो अमृत रस बरसता है दृष्टि में। इसका मतलब धन तो मतलब कहीं से भी आए, रुका हुआ धन आए, नया धन आए, नौकरी में आए, व्यापार में आए, धन तो आने ही आना है सिंह राशि वालों। और 6-7 और सुख साधनों की वृद्धि हो सकती है, गाड़ी बंगला जो कुछ चाहिए आप लेना चाहते थे इस समय ले सकते हैं, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। और देखिए अच्छा सब बढ़िया, क्योंकि दसवें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और 7, 8, 9 और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जॉब में नया जॉब, नया मन माफिक जॉब, रोग ऋण से मुक्ति, और कोई परीक्षाओं में बैठ रहे हैं आप कंपटीशन में तो सफलता। तो मैं समझता हूँ सिंह राशि के लिए बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन 28 नवंबर से लेकर के और करीब 10 अप्रैल 2025 तक, जब तक बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, फिर मृगशिरा में आएंगे तो वो बात बात की देखी जाएगी। तो ये जो है बहुत सफलता मिल रही है, यानी किसको, सिंह राशि वालों को। और देखिए अगली राशि बताऊं मैं आपको, देखिए कन्या राशि, सिंह राशि के बाद कन्या राशि के लिए नंबर 6 राशि है। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति देखिए, यानी ये 12-1-2 वृषभ राशि, 12-1-2 यानी 9th हाउस में आ गई कन्या राशि जो है। 9th हाउस का मतलब भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बृहस्पति चंद्रमा की साथ, चंद्रमा के नक्षत्र में शक्ति पाकर के रोहिणी नक्षत्र के बृहस्पति, जिनका रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा देखिए आपके अच्छे हो गए, मन अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं किसी के तो सब कुछ संताप मिलता है, मन का संताप मिलता है, मन काम नहीं करता और सब तरह से नुकसान रहता है। तो चंद्रमा को जरा स्ट्रांग बनाना चाहिए। अब चंद्रमा बृहस्पति का साथ मिल जाने से स्ट्रांग बन गए, और मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए 9th हाउस यानी भाग्य भाव में बृहस्पति आ गए। तो भाग्य भाव में जब आ गए तो भाग्य भाव में वृषभ राशि में 9th हाउस में भाग्य में बैठेंगे तो भाग्य वर्धन करेंगे। कन्या राशि वालों को चंद्रमा की शक्ति और बृहस्पति की शक्ति मिल करके भाग्य वर्धन हो गया तो हर तरह का भाग्य बढ़ने से लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, अगर कर रहे हैं काम तो बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं। और देखिए यहाँ से भाग्य भाव से तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जितना परिश्रम करोगे उसके अनुकूल आपको लाभ मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और देखिए समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा कन्या राशि वालों को। तो ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो लग्न यानी आपका धार्मिक विचारधारा होगी, लग्न बड़ा शरीर एक्टिव रहेगा, बीमारियां से मुक्ति मिलेगी। और यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीसरे भाव को, 8, 9 और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो पंचम भाव में संतान का नाम, संतान को मान सम्मान, संतान की तरक्की, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, प्रेम प्रसंगों में सफलता, मन माफिक काम मिलेगा, मनोरथ पूरे होंगे। तो कन्या राशि के लिए मैं समझता हूँ ये जो युति बन रही है बृहस्पति की, रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, ये काफी लाभदायक है।
और देखिए अब इसके बाद में बताऊ एक राशि, वो देखिए धनु राशि। धनु राशि नंबर 9 राशि, धनु राशि के लिए आप देखें 9, 10, 11, 12, 1, 2 वृषभ राशि आ गई छठे भाव में। तो छठा भाव भी देखिए वृषभ राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, 12वें को देख रहे हैं यानी विदेश भाव को देख रहे हैं, और अपने छठे में बैठे हुए तो रोग ऋण से मुक्ति, बैंक से कर्जा लिया तो चुकता हो जाएगा, किसी को कर्जा दिया तो वापस आ जाएगा, चंद्रमा की शक्ति पाकर के बृहस्पति की दृष्टि बाहर में पड़ रही है, तो विदेश जाना चाहते हैं विदेश जाइए, विदेश से पैसा कमाइए, थोड़ा धन का खर्चा होगा क्योंकि विदेश जाएंगे तो खर्चा तो हो ही होगा। तो मैं समझता हूँ धनु राशि के लिए बृहस्पति की खुद की राशि है, तो अब बृहस्पति शक्ति चंद्रमा की मिलकर के धनु राशि को तो देखिए छठे भाव से मेन तो 12वें भाव में दृष्टि है, 7वें दृष्टि, तो वो बहुत विशेष लाभ मिल रहा है। और देखिए 7, 8, 9 और लग्न को देखेंगे यानी शरीर को देखेंगे तो धनु राशि वाले जातकों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बीमारी रहित रहेगा, और आपका देखिए एक्टिविटी बढ़ेगी, धार्मिक विचारधारा होगी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, पूजा पाठ ज्यादा करेंगे, तो ये देखिए धनु राशि अच्छा लाभ पा रही है। और भाई धनु राशि के बाद मैं देखूं भाई जरा वृश्चिक राशि को भी देख लेता हूँ। देखिए वृश्चिक राशि के लिए 11, 12, 1, 2, 8 वृश्चिक राशि के लिए तो बिल्कुल सम्मुख 7वें स्थान में 7वें भाव में वृषभ राशि आ गई, और यहाँ से बृहस्पति लग्न को देखेंगे सप्तम वृक्ष से, और देखिए 11वें भाव को देखेंगे लाभ भाव को, तो लाभ ही लाभ, तो वृश्चिक राशि को तो बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिल गया, धनी धन आ गया, चंद्रमा और बृहस्पति की मिलकर शक्ति और बृहस्पति की दृष्टियों में तो अमृत बरसता है। तो सप्तम में बैठेंगे तो व्यापार में तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, और लाभ का मतलब भाव में देख रहे हैं तो धनी धन आएगा, और लग्न को देख रहे हैं तो स्वस्थ शरीर, धर्मात्मा, बिल्कुल बुद्धि विवेक, और आपका धर्म के काम में रुचि। और देखिए यहाँ पर 8, 9 और 3वें भाव को देखेंगे तो फिर परिश्रम करेंगे और लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये वृश्चिक राशि के लिए रहा कि वृश्चिक राशि के लिए काफी कुछ अच्छा है। और देखिए कर्क राशि के लिए बताऊं मैं आपको, कर्क राशि के लिए देखिए 11वें भाव में आ गए, कर्क राशि जो है चौथी राशि है तो दूसरी राशि आ गई 11वें भाव में। अब बृहस्पति चंद्रमा की शक्ति मिलकर के रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ तो देंगे देंगे, और लाभ का मतलब भाई धनी होता है यानी धन का आना, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरे भाव से भी परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा, धन आएगा, भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो देखिए मनोरथ पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, संतान को लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, और धन तो मिलेगा ही मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। और 8, 9, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी नवी, तो 7वें भाव मतलब व्यापार में तरक्की, व्यापार में पार्टनर्स का पूरा सहयोग, और दाम्पत्य जीवन में बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया शानदार बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और बृहस्पति देखिए चंद्रमा की शक्ति पाकर के, और कर्क राशि तो खुद चंद्रमा की राशि है, तो जब चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर के चंद्रमा की कर्क राशि को तो आसमान को उठा देंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है कर्क राशि को भी। अब देखिए इसके बाद में बताऊ देखिए वृषभ राशि, वृषभ राशि नंबर 2 राशि, जहाँ खुद बृहस्पति बैठे हुए हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, तो लग्न में बैठ करके बृहस्पति शरीर को स्वस्थ बनाए, शरीर को धार्मिक बनाए, धार्मिक अनुष्ठान में विशेष रुचि हो आपकी, सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुंदर, व्यापार में तरक्की, तो ये जो है यानी वृषभ राशि के लिए। और देखिए जो दृष्टियां पड़ रही है यहाँ से वृषभ राशि से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि संतान भाव पर, संतान भाव का मतलब
संतान को तरक्की, संतान का नाम मान सम्मान प्यार प्रेम प्रसंग में आपको सफलता और उच्च शिक्षा, यानी जो जो भी आपकी इच्छा है सारे मनोरथ पूरे होंगे, आपको शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, धन की प्राप्ति होगी। तो 6-7 और सप्तम प्रदर्शी दाम्पत्य जीवन अच्छा, पत्नी में और दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में अच्छा संबंध, व्यापार में तरक्की, दोस्तों का अच्छा साथ और भाग्य बापोदृष्टि पड़ रही है। भाई वृषभ राशि वालों, भाग्य वर्धन हो गया, बृहस्पति की दृष्टि अमृत रस बरसाएगी, जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत बरसता है, चंद्रमा की शक्ति पा करके। बृहस्पति देखिए, वृषभ राशि वालों को शुक्र की राशि है, हालांकि देव गुरु और देखिए दैत्य गुरु आपस में कोई वो नहीं है झगड़ा मन मुटाव, अच्छा लाभ मिलेगा। और वृषभ राशि के बाद में बताऊ आपको एक राशि और, देखिए वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए तीसरे भाव में, मीन राशि 12 है ना, तो 12 से आप गिनिएगा, 12 एक दो तीन, 12 एक दो तीन, तो वृषभ मीन राशि के चौथे भाव में, देखिए 12 राशि है यहाँ पर, तीन नहीं 12 एक, 12 एक दो तीसरे भाव में दूसरी राशि आ गई। तीसरा भाव चंद्रमा की शक्ति और बृहस्पति की शक्ति मिलकर के तीसरे भाव से यात्रा कराएंगे तो लाभ मिलेगा, और देखिए दोस्तों से सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, और भाई तीसरे भाव से जो है दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो भाग्य वर्धन हो गया। भाग्य वर्धन हो गया किसका? मीन राशि का। मीन राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति तो मीन राशि के बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, धनाधन धन की बारिश सुख की बारिश, क्योंकि भाग्य बढ़ गया तो सबको सही हो गया, भाग्य के सहारे तो दुनिया है, तो कहते इसका तो भाग्य बड़ा अच्छा है, जहाँ छूता है मिट्टी को सोना बन जाती है। तो जिसका भाग्य बृहस्पति ने फर्श से अर्श को लेके उठा करके, भाई क्या फिर कमी क्या रह गई, तो मीन राशि वालों को भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। अब देखिए मैं एक आखिरी राशि लेना चाहता हूँ, देखिए अब तक मैंने कितनी राशि बताई, 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए 8वीं राशि बता रहा हूँ मैं, ये वो राशियां हैं जिनको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिल रहा है। अब जो बाकी जो बच जाएंगी राशि 4, वो राशि वाले नाराज ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपको लाभ नहीं, लाभ तो हरेक को मिलेगा क्योंकि बृहस्पति हरेक को देते हैं, पर ये वो राशियां बताएं जिनको मैंने विशेष लाभ, लखपति करोड़पति या कहिए महाधनी कुछ भी कहिएगा। तो ये अब आखिरी राशि बता रहा हूँ, वो है मेष। मेष राशि के लिए बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए, धन भाव में चंद्रमा का साथ मिल गया, एक तरह से गज किसी योग तो नहीं बना, चंद्रमा बैठे तो नहीं है, पर चंद्रमा का नक्षत्र तो है रोहिणी, तो रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके 10 अप्रैल 2025 तक मेष राशि वालों बृहस्पति की विशेष कृपा मिलेगी आपको। और बृहस्पति की अगर आपको देखिए मार दशा चल रही है तो और कहने क्या है, फिर तो बृहस्पति और गजब का आपको सपोर्ट करेंगे। चंद्रमा की ताकत रोहिणी नक्षत्र में, बृहस्पति देव गुरु खुद उनका आशीर्वाद, तो मेष राशि वालों को मैं समझता हूँ यानी मेष राशि के लिए दूसरे भाव में धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन भाव में बृहस्पति धन नहीं देंगे तो क्या देंगे यार। और यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव को देखेंगे तो नई नौकरी, नया देखिए व्यापार, नया काम, ऋण रोग से मुक्ति मिलेगी आपको, शत्रु भाग जाएंगे। 6-7 अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक धन का लाभ मिलेगा, अचानक से पैतृक संपत्ति मिले, अचानक से आपको धन आए कहाँ से, आपके चाहे आपके ज्योतिष का काम करते हैं ज्योतिष से आए, अगर आप कोई गूढ़ विद्याओं का काम करते हैं तंत्र मंत्र का काम करते हैं उससे आए, कहीं से आए गुप्त धन मिलेगा। और 8-9 और नौकरी में रोजगार के क्षेत्र में आपको तरक्की, नई नौकरी और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, जॉब में तरक्की और आपके बॉस बहुत खुश। तो देखिए ये मेष राशि के लिए बताया मैंने। तो इस तरह मित्रों ये 8 राशियां होती हैं, 1 2 3 4 यानी आप देखिए जो बताई है राशि एक बार आप देख लिए, फिर भी सिंह राशि और देखिए कन्या राशि और धनु राशि 3 और वृषभ राशि 4, कर्क राशि 5, वृषभ राशि 6, मीन 7 और मेष 8।
तो वही आठ राशियां हैं जो कि आपको बृहस्पति के रोहिणी नक्षत्र में आने पर विशेष धन कृपा मिल रही है, विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए हैं, और देखिए अच्छा लगे तो लाइक करें, जो कहना चाहते हैं कुछ गाली देना चाहते हैं गाली भी दीजिए, गाली भी लाभ देती है, कोई बात नहीं है मित्रों।